हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेकेंड मैथ मैजिक टेस्ट बुक। आर यू फाइन स्टूडेंट? आई होप यू विल ऑल ऑफ फाइन। आप लोग घर पे होंगे तो फाइन होंगे। आई एम उषा टीचर। नौवीं स्टार चैप्टर फाइव पैटर्न्स। ओके बच्चों, तो चैप्टर फोर तक हमने कंप्लीट वर्क बुक और टेक्स्ट बुक दोनों में कंप्लीट करा। अब नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फाइव पर। टॉपिक हमारा ये पैटर्न। ओके बच्चों, तो ये हमें करना है टेक्स्ट बुक में स्टार्ट। चलो, आर यू रेडी? यस। चलो, बिल्ली एंड गिन्नी वेर गोइंग होम। कहती बिल्ली और गिन्नी दोनों कहाँ जा रहे थे? दोनों घर जा रहे थे। ऑन द वे दे शो पीपल, सम पीपल मेकिंग द पेमेंट। और उन्होंने क्या देखा बच्चों? उन्होंने देखा पेमेंट होता है फुटपाथ। ओके, उन्होंने फुटपाथ पे बहुत से लोगों को क्या देखा? मेकिंग ए पेंट। फुटपाथ पर उन्होंने क्या देखा? देख सकते हो आप लोग भी, आएगा आगे। द टाइल्स यू शीड वेयर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिजाइन। दिस इज वॉट दे सो। ओके, आई थिंक बिन्नी और गिन्नी घर जा रहे थे। ऑन द वे उन्होंने देखा, उन्होंने रोड के ऊपर क्या देखा? फुटपाथ पर सब बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। द टाइल्स यू शीड वेयर डिफरेंट कलर एंड डिज़ाइन। ओके, उन्होंने फुटपाथ पे बहुत सारे लोगों को काम करते देखा और वो टाइल्स का काम कर रहे थे। और टाइल्स यूसेज किया था, और टाइल यूज़ कर रहे थे अलग अलग कलर के से, अलग अलग डिज़ाइन किए थे। ठीक है, दैट इज़ व्हाट दे शो। उन्होंने वह क्या देखा? चलो देखो, यहाँ पर देखा उन्होंने, देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये लुक एट दिस पिक्चर। ये देखो, देख सकते हो आप लोग टाइल्स है। ठीक है, देखो ये टाइल्स, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, सब आई मीन ये सब टाइल्स है, सब अलग अलग, सब डिफरेंट है। ठीक है, और सबका कलर भी डिफरेंट है। आप लोग ने आई होप कितनी बार देखा होगा। एक्चुअली हमारे होम में आप लोग जैसे कि कोई शॉप में जाते हैं, या पर टाइल्स की शॉप पे जाइए, वहाँ पे आप अलग अलग, एक्चुअली सब डिफरेंट टाइल्स आपको देखने में, अलग कलर्स में, अलग डिज़ाइंस में और अलग कलर्स में। ओके बच्चों, ऑन रीचिंग होम दे शो देयर मदर साड़ी हैंगिंग ऑन ए रोप। ओके, तो बच्चों ने वो जो मिनियर गिनी घर जाके जा रहे थे, उन्होंने रोड पर टाइल्स देखा। ठीक है, अलग अलग प्रकार के टाइल्स, उन्होंने सोचा कि ये सब टाइल्स हो अलग अलग कलर। फिर दैट इज वॉट दे, उन्होंने ऐसा देखा। फिर वो देखकर ऑन द रीचिंग, वो लोग कहाँ पहुँचे? अपने वो लोग पहुँचे होम, वो लोग घर के, घर पर पहुँचे। घर पर पहुँच कर उन्होंने क्या देखा? देयर मदर साड़ी हैंगिंग ऑन ए रोप। रोप मिस होता है रस्सी, और ऑन मिस होता है ऊपर। ओके, जब घर पे पहुँचे उन्होंने देखा, मदर मिस होता है मम्मी, मम्मी की साड़ी हैंगिंग में। ओके, उन्होंने मम्मी की साड़ी को देखा, यहाँ पर डोरी पे ऐसी है रस्सी, तो रस्सी के ऊपर डाले हुए देखा। अब देखो आप लोग के बच्चों, इट ऑल्सो हैड ए नाइस डिज़ाइन विथ डिफरेंट कलर्स। ओके, और वह उन्होंने देखा। ओके, नाइस, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन थी और डिफरेंट कलर्स। आप लोग लुक इस पिक्चर, आप लोग देख सकते हो बच्चों, इस साड़ी का नाइस सो गुड लुकिंग कलर इसका है, बहुत अच्छा कलर दिख रहा है बच्चों देखने में। और सब इसका डिज़ाइन, ओके, देख सकते हो अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग पैटर्न, ये अलग अलग पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, देखो इस पैटर्न इस साइड से, पैटर्न इस साइड से। ओके, तो उन्होंने घर पर जाके देखा कि मम्मी की साड़ी वो सूख रही थी, डाली हुई थी रस्सी पर, उसका अलग डिज़ाइन था और अलग पैटर्न था। ठीक है बच्चों, नाउ वी नेक्स्ट पेज करेंगे। इन द इवनिंग दे वेर प्लेइंग इन ए पार्क। ओके, तो इन द इवनिंग, शाम के अंदर वे कहाँ जाते हैं? प्लेइंग इन द पार्क, हम लोग पार्क मीन्स के अब लोग पार्क में खेलने के लिए जाते हैं। ठीक है, दे शो आयरन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री वॉल्स। ओके, और उन्होंने पार्क में क्या देखा? उन्होंने पार्क में देखा आयरन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री वॉल, जो बाउंड्री थी ना, जो दीवार के ऊपर ही बाउंड्री, मैंने बताया आप दीवार के ऊपर से बाउंड्री घेर रहता है, उन्होंने बाउंड्री पे जाली देखी। देख सकते हैं आप लोग इस पिक्चर। ओके, लुकिंग एट द ग्रिल्स बिन्नी सेड। ओके, ग्रिल, अब बिन्नी ने देखा। ओके, बिन्नी ने लुकिंग देखा और बिन्नी ने बोला। ओके बच्चों, दिस सेम ग्रिल्स मेक ए डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडो एट होम। ओके, तो बिन्नी, जो बिन्नी, उन्हें सुबह मॉर्निंग में बिन्नी ने देखा था जो रोड पर टायर्स लगा, तो उन्होंने सोचा अलग अलग कलर और डिज़ाइन, बच्चों के मन में डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो टायर्स उन्होंने देखा अलग अलग डिफरेंट कलर्स के डिज़ाइन थे। फिर घर पर जाके हैंगिंग में देखते हैं मम्मी की साड़ी रोप में रस्सी पर सूख रही थी, वो भी अलग कलर डिज़ाइन पैटर्न थे। ठीक है, फिर बच्चे शाम के अंदर बिन्नी गिन्नी पार्क में खेलने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो पार्क में जब जाते बच्चों खेलने, तो उन्होंने देखा बाउंड्री पर जो ग्रिल्स, ओके, जो जाली लगी हुई थी, वो वैसे ही सेम ग्रिल्स उनके घर पे भी विंडो पे थी। ठीक है,
तो बिन्नी ने कहा मैं के डिफरेंट पैटर्न इन अवर विंडो के, हमारे घर पर जो खिड़की है वहाँ पर भी ऐसे डिफरेंट अलग अलग पैटर्न की उसमें जैसे ग्रिल ऐसी जाली है, ठीक है। वी सी मैनी सच पैटर्न अराउंड अस, ओके वी सी आप हम लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हो अलग अलग पैटर्न हमारे घर के आस पास देख सकते हो, ऑन टाइल्स पे हम देख सकते हो, क्लॉथ्स पे एंड दरीज, ओके बच्चों। तो आपको मैं एक बताती हूँ, देखो यहाँ पर टाइल्स की, आप टाइल्स की शॉप पे जाओगे तो आप लोग को अलग अलग प्रकार की टाइल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। कभी देखो राइट, देखो कभी येलो भी होती है, रेड भी होती है, वाइट भी होती है, अलग कलर्स, आई मीन टाइल्सों का कलर्स भी डिफरेंट होता है, प्लस उसमें जो डिज़ाइन और पैटर्न भी होते हैं वो अलग, कोई ट्राइंगल्स होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल, अलग अलग पैटर्न्स के होते हैं, ओके क्लोथ्स, ओके क्लोथ में भी था आप लोगों को कपड़े, ठीक है, कपड़े भी देखना आप लोग सबके घर, देखो अमुक तो सिंपल कपड़े भी था, अमुक तो क्या होता है पैटर्न वाले कपड़े, तो डिज़ाइन पैटर्न्स की होती है, सारी पैटर्न की होती है बच्चों, पता है ना आप लोगों को, ओके चलो। दरीज पता है आप लोगों को, दरी अलग अलग उसमें डिज़ाइन अलग अलग पैटर्न आते, दरीज में आप लोग बहुत काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलती है, अलग अलग पैटर्न, ठीक है। चलो यहाँ पर भोलू, ओके भोलू कौन है, ये जो दिख रहा है हमें ये माउस दिख नहीं सकता, ये चूहा राइट है ना, ये है भोलू। भोलू हैज़ ईटन ए पार्ट ऑफ द शॉल ऑफ बिनीस मदर, ओके ये भोलू है, ठीक है, इसका नाम ये जो रैट है इसमें इसका नाम भोलू है। अब ये भोलू ने क्या किया, ईटिंग ए पार्ट ऑफ द शॉल, शॉल में से साल से कहते हैं ठंडी में ओढ़ा जाता वो शाल, ये भोलू ने क्या किया, बिन्नी की मम्मी की शाल को उसने खा लिया, ठीक है, ईटिंग ए पार्ट कि उसका कुछ शॉल का कुछ पार्ट के एक हिस्सा उसने खा लिया है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिन्नी इन मैचिंग विच पीस इज ऑफ द सेम पैटर्न, ओके आप लोग देख सकते हो बच्चों ये है शॉल, और ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पर देखो यहाँ पर इसलिए ये जो ये भोलू है, भोलू ने बिन्नी की मम्मी की शॉल को खा लिया, तो इसका ये कुछ पैटर्न यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है, देखो लोग सकते हो आप लोग बाजू में, अब देखो ये पैटर्न से करेंगे नो इसे बनेगा नहीं, ये क्रॉस नहीं बनेगा, फिर इस पैटर्न से करेंगे बच्चों तो भी नहीं बनेगा, तो भी क्रॉस आएगा, इसे करेंगे तो भी नहीं बनेगा। लुक एट दिस पिक्चर, देख सकते हो आप लोग ये जो इसका ये शेप बना डिज़ाइन ये पैटर्न बना हुआ इस साइड से, देखो ये कटिंग है ना इससे मैच खाएगा, तो इसमें ये वाला अगर पैटर्न हम ज्वाइन करेंगे ना बच्चों तो ये शॉल जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब नाउ वी नेक्स्ट पैटर्न करेंगे, माधव वॉन्ट्स टू मेक ए पैटर्न ऑन ए गेट मशीन, ओके माधव है अपने जो ऑन ए गेट, गेट में इसी जाली लगाने वाला, आई मीन गेट में ऐसे यूज किया है जाली को, ऐसी देख सकते हो ऐसी पैटर्न की उसने जाली यूज़ की, ठीक है। कैन यू गैस इज विच ऑफ द कैनोट बी फ्रॉम विथ दिस, ओके तो कैन यू, इसे आपको सोचना और इस पर दिमाग लगाना आप लोग कि विच ऑफ दिस की ऐसी ये सब दी गई ना पैटर्न, इसमें से कौन सी पैटर्न है कि जो पैटर्न का इससे मैच होगा, ठीक है, और बाकी जो नहीं बन सकता है, ठीक है। देख सकते हो लुक रही थी पीछे बच्चों, तो ये देखो ये देख रहे सकते आप लोग ये पैटर्न दी गई है, ठीक है। अब आपको देखना बाजू जो सेम पैटर्न दी गई है, तो ये पैटर्न ये दोनों पैटर्न से मैच खा रहे हैं बच्चों, देखो बच्चों नो ये पैटर्न डिफरेंट है, ये तो इससे बनेगा, ये बनेगी तो माधव को जो गेट पर यूज़ कर रहा है इससे ये पैटर्न बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वन साइड नहीं है और इसमें टू साइड दिया गया, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। और ये बनेगा नो, क्योंकि ये पैटर्न अलग और ये पैटर्न काफ़ी डिफरेंट लग रही थी, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो बच्चों ये पैटर्न देख सकते हैं, ये पैटर्न हमारा राइट पैटर्न, ओके जो माधव यूज़ कर रहा है ना जो पैटर्न बनाने के लिए गेट के, तो ये हम इस पैटर्न को हम यूज़ कर सकते हैं, चल ओके तो ये होगा, इसमें हम राइट करेंगे, इससे ये दोनों हम मैच कर रहा, ठीक है, तो इससे बन जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगा गेट पे जो इसे बनानी है, जो गेट पे ये पैटर्न कंप्लीट होगा। फिल अप द ब्लैंक्स बॉक्सेस टू द कंप्लीट द पैटर्न, ओके बच्चों आपको फिल अप द बॉक्सेस द कंप्लीट द पैटर्न करना है बच्चों, तो देख सकते हो आप लोग ये जो पैटर्न दी गई थी, देख सकते हो आप लोग, ओके बच्चों तो आप लोग का सेम ही से देखो यहाँ पर दिया गया ऐसे वन नंबर की जो यहाँ से आएगा और टू नंबर, देखो आप लोग देख सकते हो बच्चों यहाँ पे कलर करना है, ठीक है, यहाँ पे येलो कलर करना है और यहाँ पे पिंक कलर करना है, ठीक है, येलो एंड पिंक, और यहाँ पे क्या करना है बच्चों आप लोग को आधा आधा जैसे देखो ऐसे हाफ हाफ करना है, ठीक है, ठीक है, आपको यू शेप बनाना है, मैं आपको सिर्फ पेंसिल से यू कर दे रही हूँ पर आप लोग को कलर करना है, ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप लोग को यहाँ पर भी करना है, इस तरह से पहले ऐसा कर देना हाफ, ओके उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे कर देना बच्चों, ठीक है।
आपको नहीं पता चलता स्केल से ड्रॉपर से देंगे। फिर आप लोग को क्या करना बच्चे, यहाँ पे ऑरेंज कलर करना है, यहाँ पे ग्रीन कलर करना है, लास्ट वाले बॉक्स में सभी में हमको पिंक कलर या अलग अलग, ठीक है। तो ये जो अलग अलग कलर आप लोग इसमें कंप्लीट करोगे तो अलग अलग प्रकार के पैटर्न देख सकते हैं। ये अलग पैटर्न है, ये भी डिफरेंट पैटर्न, ये भी डिफरेंट देख सकते हैं, ठीक से। ये पैटर्न सेम है, ये पैटर्न तो सब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस तरह से बच्चों आप लोग को टेक्स्ट बुक में ये कंप्लीट करना है। नाउ वी नेक्स्ट पेज लीफी पैटर्न्स, ओके, कि पत्तों का पैटर्न। चलो रेडी, चल यूजिंग वन लीफी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न, सी दीज फाइव लीफली पैटर्न्स, ओके। आप लोग देख सकते हो इसमें कितने टोटल फाइव पैटर्न दिए, देखो 1 2 3 4 5, ओके, इसमें भी फाइव, इसमें भी फाइव, इसमें भी फाइव, और इसमें भी नहीं बच्चों, इसमें फाइव, इसमें फाइव, मतलब 1 2 3 4 5 6, ओके, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों क्या करना, नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न्स विथ एरो इन योर नोटबुक, ओके। एरो बनाकर आप लोग आपकी नोटबुक में इस लिफ्टी वाले पैटर्न्स को बार कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ वी नेक्स्ट पेज, लुक एट द पैटर्न्स एंड फील अप द बॉक्सेस, ओके। बच्चों आपको क्या करना है, पीछे देखना है पैटर्न्स को और आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो देख सकते हो बच्चों आप लोग, ये देखो यहाँ पे दिया गया पैटर्न्स, ये पैटर्न को ऐसा सेम यहाँ पे मैंने किया है, आप लोग को भी इस तरह से सेम ही पैटर्न बनाना, इस तरह से आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करना वाला है, ठीक। टू नंबर की लाइन में आप लोग को कितने एरो बनाने दोगे, कितना 1 2 3 4, टोटल इसमें 4 एरो बनाना है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसमें 1 बॉक्स में 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1, तो आप लोग को सेम 1 फिर 2 सर्कल करना है, फिर 3 सर्कल, फिर 4, पर आप लोग को इस तरह से इसमें बच्चों इसमें कलर जो कलर दिए गए थे सेम आप लोग को कलर से यहाँ कंप्लीट करना है। फिर आप लोग को एरो बना दोगे, ये तो यहाँ पर 2 एरो बनाना अप और 2 एरो डाउन, दो ऊपर की तरफ फिर 2 नीचे, फिर अप एंड डाउन, इस तरह से बनाना है। तो आप लोग को इस तरह से ये ट्राइंगल भी करना है, तो फिर डाउन है फिर ये अप है, इस तरह से बनाना है, फिर 2 सर्कल करना है। फिर आप लोग को ये एक बॉक्स को यूँ ब्लैंक रखना है, फिर दूसरे बॉक्स में लाइन ड्रॉ करनी, पर इसमें कलर आपको फिलअप्स करना है बच्चों। फिर यहाँ पे सेमी सर्कल करना है आपको, ठीक है। एक देखो सेमी सर्कल अप की तरफ, एक डाउन की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है बच्चों। तो आप लोग को क्या करना है बच्चों, ये आप लोग को मैं ये होमवर्क दे दूँ, ये आपका होमवर्क, इसमें आपको कलर्स, ओके, कलर्स भी फिलअप करना है और प्लस आप लोग को धीरे धीरे ये कंप्लीट करना है। नाउ वी नेक्स्ट पेज, नंबर पैटर्न, लेट अस लुक एट सम पैटर्न विथ नंबर, फील द नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द ईच पैटर्न। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये पैटर्न बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया 1, तो इसमें क्या किया 1, फिर ये 3 5 7, ओके बच्चों क्या किया गया इसमें, 3 3 को ऐड किया, तो 1 में 2 को ऐड कर दिया 3 हो गया, 3 में 2 को ऐड किया 5, सॉरी 2 2 ऐड करा, ठीक है। 1 में 2 को ऐड किया 3 हो गया, 3 में 2 को ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया तो 7, और 7 में 2 ऐड किया तो बच्चों कितना आंसर 9। चलो 20 है, 20 में प्लस 10 30, 30 में प्लस 10 40, 40 में प्लस 10 50, एंड 50 में प्लस 10 60, 60 में प्लस 10 70, 70 में प्लस 10 80। तो ये मैम हमारा क्या है, टेंस वाली से लाइन होती है, इसे 10 10 10 ऐड करके हमें ये 80 तक कंप्लीट कर दिया, इसमें लिख दिया मैंने 80। चलो अब 24 है, 24 में कितना 25, 26 एंड 27, तो 3 3, ओके, 3 3 इसमें ऐड करना है। तो 24 में 3 ऐड किया तो 27, 27 में 3 ऐड किया 30, 30 में 3 ऐड किया तो 33, एंड 33 में ऐड किया तो 4 36, एंड 36 में 3 ऐड किया तो 39, ओके बच्चों। चलो अब देखो 5 में 5 को ऐड किया तो 10, 10 में 5 ऐड किया तो 15, 15 में 5 ऐड किया तो 20, और 20 में 5 ऐड किया तो 25, और 25 में 5 ऐड किया 30, एंड 30 में फिर क्या करना है, यहाँ पे 35 लिखना है, ठीक है बच्चों। 30 में 5 ऐड किया 35, एंड 35 में 5 ऐड किया तो 40, एंड 40 में 5 ऐड किया तो 45, एंड 45 में 5 ऐड किया तो 50, एंड 50 में 5 ऐड किया तो 55। देखो बच्चों, तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोग को ये पेज भी कंप्लीट करा दिया थे, पता चला आप लोग को बच्चों, देखो यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को बच्चों मैंने यहाँ तक ये कंप्लीट करा दिया, तो आप लोग को क्या करना है बच्चों, आप लोग को होमवर्क मैंने दे दिया, आप लोग को होमवर्क में यही पेज नंबर आपको क्या करना है, अपनी नोट में भी इस पैटर्न को ड्रॉ करना है, प्लस आप लोग को टेक्स्ट बुक में भी इस सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पेज नंबर हमारा टेक्स्ट बुक में 35 तक कंप्लीट हो गया है, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।